आज मैं आपके सामने फिर पेश हूँ अपनी एक नई रेसिपी लेके। आज मैं बनाऊंगी मटन कीमा, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। थोड़ी सी प्याज गुलाबी होते ही हम इसमें ऐड कर देंगे, जो चॉप करा है वो, अदरक और लहसुन, दो तेज पत्तियाँ, दो ड्राई वाली रेड चिली, और इसको गुलाबी होने देंगे। थोड़ा सा गुलाबी हो गया है देखिए, अब ऐड कर देंगे ड्राई वाले गरम मसाले, और इसको थोड़ा सा और गुलाबी होने देंगे। और गाइस, जब भी आप मटन कीमा बनाइए, कीमे को बनाने से पहले 15 मिनट विनेगर के पानी में आप इसको भिगो दीजिए, ताकि कीमे की सारी बिसेन निकल जाएगी। फिर आप निचोड़ कर अच्छे से फिर आप ऑयल में इसको डालिए। बनाने से पहले आप इसको ज़रूर भिगो दीजिए 15 मिनट। कीमा बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल बिसेन नहीं आती है। तो चलिए देखते हैं, मेरी प्याज गुलाबी हो गई है, अब कीमा ऐड कर देते हैं। तो चलिए अब कीमा ऐड कर देते हैं, साथ ही साथ टमाटर ऐड कर देंगे, जो चॉप करे रखे थे, ड्राई स्पाइसेस, सब एक साथ सब कुछ ऐड कर दीजिए, ड्राई स्पाइसेस जो हमारे थे, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी, क्योंकि बाकी तो मैंने ऑयल में ही रेड कर लिया था, वो वाला ड्राई वाला तो मैं बाकी ऑयल में गुलाबी कर चुकी हूँ, ये वाला भी ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया। और 5 मिनट इसे तेज़ आंच पे भूनने देंगे, जबकि मटन अपना पानी नहीं छोड़ देता है, और कस के भून लेंगे ताकि मटन की बिसेन निकल जाए और कीमा हमारा बहुत अच्छा बने। अब देखिए इसको भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं, ऑयल छूट गया है, देखिए ये पहचान है कि हमारा जो भी हम बना रहे हैं, जब ये ऑयल छूट जाए समझिए भून गया है। अब इसमें पानी थोड़ा सा लगा देंगे और 3-4 सीटी ले लेंगे गलने तक, अंदाज से आप पानी लगा दीजिए, थोड़ा ही लगाइएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा। इसको बंद कर देते हैं, 3-4 सीटी के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस देखिए कीमा हो गया है, गल गया है, मैंने देखा बस इतनी हद तक आपको गलाना है, पानी भी परफेक्ट था, आप देख सकते हैं कीमा हो गया है, बिल्कुल रेडी है। 2-3 सीटी आ गई थी कुकर में, कुकर में ही बनाइएगा, देखिए कितना अच्छा बना है, मैं आपको निकाल के दिखलाती हूँ। ये देखिए गाइस, गार्निश कर दीजिए थोड़े से हरे धनिए से। अब बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में आपको, चलिए फिर गाइस मिलते हैं आपको अगली रेसिपी में।